नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुछि मीति स्मृति देखिबा संपूर्ण खबर। कळाहांडी कंधमाल सीमा रे माओ एनकाउंटर, सिरकी घाटी रे सुरक्षा कर्मी ओ माओवादी को मध्ये रे गुली विनिमय, सुरक्षा कर्मी को सह एनकाउंटर रे चारि माओवादी निहत होइतिबा सूचना मिलिछि। एबे भी चालिछि कॉम्बिंग ऑपरेशन। कळाहांडी कंधमाल सीमा रे माओ एनकाउंटर, सिरकी घाटी रे सुरक्षा कर्मी ओ माओवादी को मध्ये रे गुली विनिमय, सुरक्षा कर्मी एनकाउंटर में चारि माओवादी निहत होता सूचना मिली। एवं चली कॉम्बिंग ऑपरेशन। कळाहांडी कंधमाल सीमा रे माओ एनकाउंटर, सिरकी घाटी रे सुरक्षा कर्मी और माओवादी मध्य गुड़ विनिमय चली। सुरक्षा कर्मी एनकाउंटर में चारि माओवादी निहत होता सूचना रही। चली कॉम्बिंग ऑपरेशन। अधिक सूचना फोनलाइन अच्छा आम प्रतिनिधि अंशुमान पात्र। अंशुमान, सीमार कळाहांडी कंधमाल सीमा रे माओ एनकाउंटर एबे भी सर्च ऑपरेशन जारी रहिछि? हां देखंतु नीति स्मृति, निश्चित भाव रे आज सकाळ प्राय 11टा घटना एटा जे कळाहांडी आउ जो रहिछि कंधमाल ए सीमा रे पुलिस रो कळाहांडी पुलिस तरफ रो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलतिला। ऑपरेशन मेले माओवादी आउ पुलिस सामनासामनि हेतिले, सामनासामनि हला परे उभयंक पटु गुळी विनिमय हेतिला। गुळी विनिमय रे जहां को सूचना मिलिछि जे चार जण माओवादी सेठी प्राण हरिजंती, आ चार जण को मध्यर तीन जण महिला माओवादी अछंती, आ जण पुरुष माओवादी अछंती। आ जो एक्सचेंज फायर हेतिला जोटा गुळी विनिमय मध्यर जण एसओजी जवान मध्य सेठी आहत होइजंती, जहा कळाहांडी एसपी को सागरे आमे वर्तमान कथा होतुलु जे आहत जवान को वर्तमान रेस्क्यू करा हेची आ तांकर चिकित्सा पई पठाइची। आ जेहेतु से अंचल माओवादी को कार्यकला माने दीर्घ दिन रही आइची, सेति पई मदनपुर रामपुर अंचल आ मोहनगिरी अंचल, मोहनगिरी अंचल रे वर्तमान चली माने चलुची ऑपरेशन, वर्तमान भी चलीची कॉम्बिंग ऑपरेशन को जोरदार करा जायची। आउ भी जो सिरकी जंगल जोटा ये माओवादी मन निहत होइजंदी से अंचल रे मध्य सुरक्षा भी कड़ाकड़ी करा जायची, ऑपरेशन मध्य जोरदार करा जायची। इति स्मृति। अंशमान, केतो बड़ ठरे ए एनकाउंटर जारी रहिची? एखन तो जहां हम पाखरे सूचना अछि दिन 11टा रु ए एनकाउंटर आरंभ हेतिला, दिन 11टा परे ही एटा सब हेची आउ मृत होइचंदी माओवादी माने। तो 11टा बेलु प्राय वर्तमान चारटा पर्यंत वर्तमान भी जारी रही कुंभिक ऑपरेशन पुलिस रो जारी रही। आउ माने काले आउ किए आउ खोजाखोजी भी चलती किए जो काले किए आउ आहत होइतिबे से उपरे मध्य तार तदन जारी रही। इति स्मृति। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान। आप समस्त सूचना पाई अंशुमान पात्र सबसे सूचना दौले। कळाहांडी कंधमाल सीमा रे माओ एनकाउंटर जारी रही, सिरकी घाटी रे सुरक्षा कर्मी एवं माओवादी मध्य गुड़ विनिमय जारी रही। दिन 11टा पखापाखि दिन 11टा समय गुड़ विनिमय जारी रही, सुरक्षा कर्मी एनकाउंटर में चारि माओवादी निहत होता सूचना रही। एवं भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रही। आगामी विधानसभा मौसुमी अधिवेशन में रही प्रश्नकाल केवल अणतारका प्रश्न रहिबो। आगामी अधिवेशन नहीं तारीख निर्धारण हो नथिले भी विधानसभा कार्य परामर्शदाता कमिटी एपरी प्रस्ताव देथिबा सूचना मिलिछि। तेबे कोविड कटकणा भितरी किपरि विधानसभा चालिबो से नै दुई दिन पूर्वरु बाचस्पतिंक अध्यक्षतारे बसिथिबा बैठकरे निष्पत्ति होइछि। विधानसभा बसिबार दुई दिन पूर्वरु विधायकंक आरटीपीसीआर टेस्ट कराजिबो, जो मानकर नेगेटिव रिपोर्ट आसिबो सेमानकु प्रवेश पई अनुमति दियाजिबो। पांच दिन परे आउ थरे टेस्ट हेबो। जो विधायक मानकर कोरोना पॉजिटिव बाहर से अधिवेशन में भाग नहीं पारे ना। विधानसभा समय रे लक्षण देखा कले एंटीजन टेस्ट हेबो। विधानसभा परिसर रे ही विधानसभा बसिबो। जो मानकर वयस 60 वर्ष ऊर्ध से स्वतंत्र सीट अरेंजमेंट करा जिबो। जो विधायक माने विधानसभा रे बसिबे माने संगरोध रे रहिबे एवं कहा सह मिसिबे नाही। गणतंत्र रो मेरुदंड हेउची लोकंकर समस्या एवं तार समाधान, एवं लोकंकर समस्या को समाधान करिया को हेले तार प्रकृष्ट स्थान होची विधानसभा बा लोकसभा। यदि प्रश्नकाल को बाद देगी विधानसभा चालिवार मसुदा हेउची मु बुझी पड़े तो हाउस बसुची कहीं बसवार किसी आवश्यकता नहीं। प्रश्नकाल काटिब किए? प्रश्नकाल मूर्ति प्रस्ताव बजेट रो जो नियम रही संविधान जो नियम रही उच्छेद करने विजु जनता दल किए मु तो खोलाखोली कहे
कही मान्यवर बाचस्पति महोदय तुम्हें सर्वदलीय मीटिंग डाकंतु सेठे निष्पत्ति नियंतु प्रश्न काल निश्चित भाव रहा दरकार सेठे निष्पत्ति नियंतु कौन कर विधानसभा किपर भाव चला जीव विधानसभा साधारण तो जहाँ आम रूल्स ऑफ प्रोसीजर अनुसार हुए किंतु एथर जेहेतु विधानसभा हूँ पार्लियामेंट हो एभरी भाव में कोविड संक्रमण कारण सबु क्षेत्र में एक स्वाभाविकता अवस्था ना अस्वाभाविक अवस्था जहाँ को दृष्टि रखी मानवर बाचस्पति आलोचना भी करते आधिक विचार विमर्श होती बिजनेस एडवाइजरी कमिटी बस डिसाइड कर कौन हम न हो कड़ा सुरक्षा मध्य मुंबई में पहुंचले कंगना रणावत दिल्ली विमान जोगे आसी मुंबई एयरपोर्ट में पहुंची कंगना विमान बंदर में शिवसेना समर्थक मैंने प्रबल विरोध करते कंगना को कला पता देखाइले शिवसेना समर्थक सेपटे कंगना को समर्थन करितला करणी सेना वाई प्लस सिक्यूरीटी थिबा कंगना को एयरपोर्ट रु तांको मुंबई स्थित बासभवन को कड़ा सुरक्षा मध्य निया अन्यपटे मुंबई अफिस् भंगा उपरे रहितादेश जारी करिछंति बॉम्बे हाईकोर्ट एने बीएमसी को हाईकोर्ट का रिपोर्ट तलब करिछंति बेआईन निर्माण अभियोग रे नोटिस लगाइबार 24 घंटा मध्य कंगना अफिस् बुलडोजर बुलाइथिला बीएमसी एहा को विरोध करी बॉम्बे हाईकोर्ट का द्वारस्थ होइथिले कंगना यार सुनानी करी बॉम्बे हाईकोर्ट बीएमसी रा कार्यानुष्ठान उपरे रहितादेश लगाइछंति ता सह बीएमसी को रिपोर्ट तलब करिछंति आसंता काली एही मामला रो परवर्ती सुनानी हेबो बात तो ये है कि जो स्टॉप वर्क नोटिस उन्होंने दिया था वो स्टॉप वर्क नोटिस ही बेबुनियाद है मेरी नजर में वो एब्सोल्युटली इलीगल है बिकॉज स्टॉप वर्क नोटिस देना आपको उनको पड़ता है जिनके घर में काम चालू हो हमारे घर में पिछले 18 महीने से कोई काम नहीं हो रहा है 6 महीने से तो कोरोना है कोरोना के चक्कर में वैसे भी सब काम बंद है मेरी क्लाइंट जो है वो खुद हिमाचल में है वो भी यहाँ पे नहीं है उसके बावजूद वो लोग इलीगल अंदर घुसे घर में क्रिमिनली थ्रेटन करके और आस पड़ोस में सबको धमकी देके घुस गए घर में और उन्होंने अपना जो भी कुछ कार्रवाई किया और हमको नोटिस दिया बेबुनियाद नोटिस दिया वो नोटिस का जवाब मैंने कल ही दे दिया था जिसमें 24 घंटे लिखे थे मैंने उनको 4 घंटे में दे दिया 24 घंटा भी नहीं रुका 4 घंटे में उनको जवाब देने के बावजूद उन्होंने आज सुबह 10:19 पे हमारा जवाब रिजेक्ट किया और 10:19 पे रिजेक्ट करने के पहले ही आदमी मौजूद हो गया था तोड़ने के लिए जेल गले रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कारबार मामलें रिया को गिरफ्त पर 14 दिन भायाखला जेल को पठाई दिया जाए सेप्टेम्बर 22 जाए जेल रही रिया गत काली रात रिया को गिरफ्त पर एनसीबी हाजत में रखा जाता जमीन आवेदन करनसीबी रिया जमीन आवेदन विरोध कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया मुंबई रो एक अदालत एही मामला रो सुनानी करी रिया को 14 दिनिया न्यायिक हेफाजत को पठाई थिले बेआईन निशा कारबार अभियोग रे अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को एनसीबी गिरफ करबा परे तांको विरोध रे धारा 8C 20B 27A 28 एवं 29 अनुसार एक मामला रुजू करितला गिरफ करबा परे एनसीबी अधिकारी माने अभिनेत्री रिया को सियोन हॉस्पिटल को नेई सेठारे तांकर स्वास्थ्य परीक्षा कराइथिले स्वास्थ्य परीक्षा परे पुणी रिया को एनसीबी कार्यालय को आना जाइथिला पूर्व तीन दिन माराथन जेरा परे शेषे रिया को गिरफ करितला एनसीबी सेहीपरि एही मामला रे रिया को भाई सोफिक चक्रवर्ती मध्य गिरफ होई सारिछंति राज्य में आउ 3748 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती संगरोध केन्द्र 2210 और लोकाल केस 1538 खोर्धार सर्वाधिक 615 जन आक्रांत चिन्हट होती तेज खोर्धा पर चिंता बढ़ाई पुरी पुरी में आज चिन्हट होती 387 जन आक्रांत से कटकु 392 अनुगुल 57 बालेश्वर 103 बरगड़ 92 भद्रक 46 बलांगीर 163 बौद्ध 58 देवगढ़ 24 ढेंकानाल 65 गजपति 33 गंजाम 71 जगतसिंहपुर 70 जाजपुर 140 जन आक्रांत चिन्हट होती से झारसुगुड़ 70 कलाहांडी 38 कंधमाल 88 केन्द्रापड़ा 116 केन्दुझर 63 कोरापुट 97 मलकानगि 21 मयूरभंज 3 नवरंगपुर 121 नयगढ़ 69 नुआपड़ा 107 रायगढ़ 82 संबलपुर 79 सोनपुर 124 सुंदरगढ़ 157 संक्रमित चिन्हट होती आज आक्रांत संख्या को मिसाई राज्य में कोरोना आक्रांतों संख्या 1,35,130 को वृद्धि पाई
राज्य एगार जन जीवन नेला कोरोना गंजाम सर्वाधिक 4 जन मृत्यु हो मिसाई गंजाम मृत्यु संख्या 213 को वृद्धि पाई से हीपरी खोर्धारु 3 जन जीवन नहीं कोरोना यह छड़ा पुरी बलांगीर कंधमाल और केन्दुझर जड़े लेखाएं आक्रांतों मृत्यु हो आज 11 मृतकों मिसाई राज्य में कोरोना मृत्यु संख्या 580 को वृद्धि पाई आज पुणि 90,000 निकटतर कोरोना संक्रमण देश में गत 24 घंटे 89,706 आक्रांत चिन्हट होती से हीपरी दिनक 1,115 जन जीवन नहीं किलर भाइरस यहां मिसाई देश में कोरोना मृत्यु संख्या 73,890 को वृद्धि पाई मोट आक्रांतों संख्या 43,70,139 पहुंची एने केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्ष सूचना दीजिए वर्तमान देश में मोट आक्टिव केस 8,97,394 थिबा बेले सुस्थ हेलेनी 33,98,844 जन महाराष्ट्र में सर्वाधिक 27,407 जन मृत्यु होता बेले 2,43,809 जन संक्रमित होती से हीपरी तमिलनाडु 8,012 जन कर्णाटक 6,680 जन दिल्ली में 4,618 जन जीवन नेला किलर कोरोना उत्तर प्रदेश में 4,047 और पश्चिम बंग में 3,677 जन कोरोन मृत्यु है कोविड फाइट रे धक्का टीका परीक्षण बंद कला आस्ट्राजेनिक परीक्षण बेले असुविधा कारण कोविड 19 टीका परीक्षा बंद रखिला इंग्लैंड आस्ट्राजेनिका कंपानी टीका नेबा परे स्वेच्छासेवी पार्श्व प्रतिक्रिया देखा देथिला स्वेच्छासेवी देहरे अजणा असुस्थतार लक्षण देखादेबारु कोविड 19 टीकार शेष पर्याय परीक्षण स्थगित रखी आस्ट्राजेनिका तेरे कंपानी पक्षर् कहुई व्यापक परीक्षण बेले क्वचित असुस्थता देखादेता है स्वेच्छासेवी को सुस्थ रखा आम प्रथम कर्तव्य तेणु परीक्षण को स्थगित रखा कंपानी इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और आस्ट्राजेनिका प्रस्तुत करुछंती कोविड टीका सेपटे भारत पुणे स्थित सेरम इंस्टीट्यूट विकसित करुथिला ऑक्सफोर्ड और आस्ट्राजेनिकार टीका जहार नाम रखाई कोविशील्ड आसंता नवेम्बर में कोविड योद्धा को कोविशील्ड जोगाई देवा लक्ष्य रखाई एवं आसंता मार्च सुधा भारतीय बजार टीका उपलब्ध सूचना दी जाता हेले एबे टीका परीक्षण बंद पर टीका प्रस्तुत कार्यक्रम उपरे मध्य प्रभाव पड़े गोटे नुआ जिन ट्रायल कर जो खबर दी जाए से नॉर्मल प्रोसेस रही जेहेतु जहां किसी गोटे अजा साइड इफेक्ट देखा है कि आम ये तो सब जानू साइड इफेक्टा से ही लोकर ये भैक्सीन जो है विभिन्न श्रेणी लोकों पाखे परीक्षा कराए तेरे यार एपर्त तो स्पष्ट कारण जमापड़े तेणु आस्ट्राजेनिका तरफ टेम्पोरारी से हल्ट करते ट्रायल को बंद करना से टेम्पोरारी हल्ट करके जो रिव्यू टीम अच्छी से बर्तन रिव्यू कर देखिए यही जो साइड इफेक्ट आसी ड्रग रिलेटेड अच्छी भैक्सीन रिलेटेड अच्छी ना तार भैक्सीन जगह यहाँ किसी एक्सप्लेन करा तार लोक प्री एक्जिस्टिंग इलनेस जो अच्छे कि नुआ किसी अच्छी से विषय में स्पष्टीकरण आसला नेक्स्ट जो ट्रायल कंटिन्यू कर शव को असमान बरगढ़ में कोरोना रोगी शव सत्कार विलंब को नहीं उत्तेजना प्रकाश पाई प्रशासन अवहेला को दायी कर उत्त्यक्त लोके गांधी छक रास्ता रोक कर फल 6 नंबर जातीय राजपथ में जानवाहन चलाचल व्याहत हो अभोग अनुजाई बरगढ़ सहर 13 नंबर वार्ड में महिला कोरोन मृत्यु होता मात्र 24 घंटा पर भी शव सत्कार हो असंतोष प्रकाश पाई तुरंत महिला को सम्मान दे शव सत्कार करने सहर बासिंदा दावी करिछन्ते उपजिलापालों प्रतिश्रुति परे रास्ता अवरोध हटे महिला शवदाह करबा लागि व्यवस्था करने को उपजिलापाल प्रतिश्रुति देबा परे आंदोलन प्रत्याहृत हो रोगी एक्सपायर कर दौन आ दुई दिन धरी गोटे लास्ट रहा दूर जुक्तिजुक्त है प्रशासन क्या से ठोस पदक्षेप नहीं ग्रहण करवा जड़े जदि करोना आक्रांत कर मृत्यु होचे तांकर तो इमिडियेटली से तांकर शवदाह करवार लगी तार व्यवस्था प्रशासन क्या लगी ना करवा 24 घंटा हो गला पर भी किसी जेहेतु ना कर आज आम से लगे राजरास्ता के आसिक आंदोलन कर बहुत दुखर कदा जो डेढ़ दिन तो गोटे गोटे डेड बॉडी ये पहला इश्यू भी नुहे से तार आगु भी सारी जेनटा कि बहुत गहितम कथा आर दावी करुँ जो तुरंत
पार्थव शरीर के ताकू सम्मान सहित तुरंत उड़ा जाऊ के प्रशासन पूरा चुप पड़ी बसी गोटे दुर्भाग्य कथा किसी ना। तदंत कमिटी निकटने हाजर हेले बलांगीर निलंबित उप जिलापाल संजय मिश्र जणे महिला कर्मचारी को असदाचरण करने अभियोग में किसी दिन तले निलंबित करते सरकार एथसह एक छह जणिया तदंत कमिटी गठन करा शांतिलता बहिदान अध्यक्षतार गठित एक कमिटी में डेपुटी कलेक्टर सुचिता पुष्पा डीएसओडब्ल्यूओ विनोदिनी प्रधान विद्युतलता खमारी भक्त नायक भगवती गुरु प्रमुख सदस्य अच्छा नोटिस अनुसार आज कमिटी आगे हाजर होती निलंबित उपजिलापाल उभय उपजिलापाल संजय मिश्र और पीड़िता सामनासामनी बसाई पचरा उचरा करा जिला समाज कल्याण कार्यालय सम्मेलन कक्ष में यार तदंत आरंभ हो अन्यपटे उपजिलापाल संजय मिश्र कहते विरोध में षड्यंत्र कर बलांगीर मोर प्राय बर्षे मसे रहणी होती रहणी काल भितर अनेक उन्नयनमूलक कार्य होनेक मोर निजर कर्मचारी तथा मोर जहाँ जहाँ उपर जहाँ इनक्वारी आती ता प्रति भी आक्शन नापी रेकमेंडेसन मोर अनुभव हुए जे ये गोटे जो इत कम समय जो गोटे एलिगेसन आसला या पक्षे हुए तो षड्यंत्र अच्छी पुरीर आसंता 12 तारीख रु चलो तीन जोड़ा स्पेशल ट्रेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलमंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद जनाई केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान 12 तारीख रु पुरी अहमदाबाद पुरी गांधीधाम एवं पुरी ओखा मध्य चलो ट्रेन एथपाई रेल मंत्रालय जारी करिछि विज्ञप्ति पुणि थे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाचल पर गतकाली रेलमंत्री पीयूष गोयल को चिठी लिखि अनुरोध करते धर्मेन्द्र प्रधान कोरोना काल में राज्य को फेरी ओडिया माने एबे काम पई पूर्णी फेरुछंती तेणु सेमानक फेरिबा पई गुजरात महाराष्ट्र और कर्णाटक भली राज्य को श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाचल करने को अनुरोध करिबा परे पुरीरु ट्रेन चलाचल पई रेल मंत्रालय व्यवस्था करिछि। आगक रहिछि अन्यान खबर वर्तमान बुलेटिन समय होइछि एक ब्रेक रा रिलायंस जिओ परे एबे रिलायंस रिटेल रे बड़ निवेश करबा को जाउछि सिल्वर लेक कंपनी सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल रे 7500 कोटी रा निवेश करबो एहा बदले रे कंपनी को रिलायंस रिटेल रे 1.75% अंशधन मिलबो सिल्वर लेक रिलायंस जिओ प्लेटफार्म रे भी 10200 कोटी टंका रा निवेश करथिला एई निवेश परे रिलायंस रिटेल भेंचर्स लिमिटेड बा आरआरभीएल रो इक्विटी मूल्य 4.21 लाख कोटी टंका होइजिबो आरआरभीएल रो सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड भारतर सबुठारु द्रुत गति रे बढ़ुथिबा रिटेल व्यवसाय रो परिचालना करे रिलायंस इंडस्ट्रीज निजर डिजिटल कंपनी जिओ प्लेटफार्म रो किछि अंशधन बिक्री करबा परे रिटेल व्यवसाय को मजबूत करबा दिगरे आगुकु बढ़ुछंती एथिपाई कंपनी निवेशकंकर संधान करुछे एही धारारे सिल्वर लेक कंपनी हेउछि प्रथम निवेशक आपणंकु कहि रखुछु सिल्वर लेक जिओ प्लेटफार्म रे भी निवेश करथिला गत सप्ताह रे रिलायंस फ्यूचर ग्रुप रो खुचुरा और लॉजिस्टिक्स व्यवसाय को 24713 कोटी टंका रे अधिग्रहण करथिला एहा मधेरे थिला सारा देश रे खुचुरा व्यवसाय पई प्रसिद्ध बिग बजार देशरे बिग बजार 420 टी शोरूम थिबा बेले एबीपी रो 1800 रु अधिक स्टोर रहिछे। राजधानी भुवनेश्वर नवम श्रेणी छात्रों को हत्या भरतपुर नवम श्रेणी छात्र अश्विनी पाढ़ी को हत्या करा जाइछे हत्या मामलें 4 जन को गिरफ करिछे खंडगिरी पुलिस गतकाली रातिर होइतिला हत्याकांड घटनारे अश्विनी पाढ़ी मृत्यु होइतिला हत्याकांड पछरे निशा कारबार रो संदेह करा जाउछि। पनीपरिबा दर बढ़ुछि हेले दर नियंत्रण करबा क्षमता राज्य पाखरे नाही बोली कहिसेंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई एबे बन्यारे परिबा चास नष्ट होइछि सेथिपाई दर बढ़िछि पनीपरिबा केवल ओडिसा रो नुहे भारत रे बढ़िछि पेट्रोल और डीजेल दर बढ़िछि तेणु परिवहन खर्च बढ़िछि तार प्रभाव पनीपरिबा दर उपर पड़ुछि बोली कहिसेंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री केन्द्र सरकार नुआ नीति फल रे कोनोसी नियंत्रण राज्य पाखरे नाही एसेंशियल कमोडिटी आक्ट केन्द्र आनिबा परे स्टॉक स्टोर मैनेजमेंट और इंस्पेक्शन आउ राज्य हाथ में नाही हेले नुआ कृषि नीति आसीबा परे सुधार आसीबो नुआ फसल आसीले उत्पादन बढ़िबो एवं दर कमिबो बोली मंत्री कहिसेंती जो नुआ नीति अवलंबन कले केन्द्र सरकार
ମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଛଅଟି ଆଇଟମକୁ ବାଦ କରିଦେଲେ ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲାନି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ପରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବୁନୁ ଷ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ପିଆଜ ଆଳୁ ଇଏ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ପିଆଜ ଆଳୁର ଯଦି ଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ତାର ଯଦି ମାନେ ଚାଲାଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ତମ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟୁରିଆ ସାର ଅଭାବ, ସୋସାଇଟିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ୟୁରିଆ ସାର ବସ୍ତା ପିଛା 400-50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସାରର ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପକାଇଛି ଚିନ୍ତାରେ, ଏପରିକି କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି, କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାରର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରର ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ବାହାରେ କଳାବଜାରୀ ରହୁଛି, ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପରିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀମାନେ ସାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସାର ମିଳୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ବାଲୁ ଗାଁର କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ସାରକୁ ନେଇ ସେମାନେ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର କେତେ ପରିମାଣ ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଚାଷ ଆଗେଇବା ପହେଲେ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣ ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବାଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ ଟନ୍ ଟନ୍ ଚାଷୀ ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ସାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହିଁ କି ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମଝିରେ ପ୍ରଶାସନ ଆସି କିଛି ସିଜ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ କିଛି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରର ଦାମ 550-600 ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହଁ, ସାରର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ହେଲେ ତଥାପି ଆମେ ସାର ପାଇପାରୁନୁ, ଯେ ଯେଉଁ ସାର ପାଉଛୁ ହେଲେ 550-600 ଆମେ ସାର ପାଉଛୁ, ଏଣୁ ସାର ଆମକୁ ଦରକାର ହେଉଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଇଏ 600 ନାଖେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମ ଏ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବାହାରୁ କିଣୁଛୁ, କଳା ବଜାରରେ ସିଏ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆମ ଆଉ ଏମାନେ କେହି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ରେ 600-550, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିକି ଆଉଥିଲା, ସୋସାଇଟି ବି ବନ୍ଦ, ସିଏ ବ୍ଲାକ୍ କରିକି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଏଇ ସମୟରେ ସାର ପକାଇଲେ ଆମର ଧାନ ଫସଲ କିଛିଟା ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରକୃତରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାର ଆସୁନାହିଁ, ସରକାର ଖାଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କର ସାର ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁ ସାରଟା ଚାଷୀ 270 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପାଇବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ 550 ଟଙ୍କା ଉପରେ କିଣୁଛି ଚାଷୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାନ ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ୟୁରିଆ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସୋସାଇଟି ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି 47 ସୋସାଇଟି ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ବାଲୁଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିକୁ ସାର ଆସୁନି, ବାହାରେ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ 400-500 ଟଙ୍କାରେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଏପଟେ ସାର ଅଭାବରୁ ଯେଉଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।